ओके, तो आज क्या बनाया है हमें सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि हमने किया क्या था लास्ट लेक्चर में। कीटोन की प्रिपरेशन शुरू की थी, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन यानी कि आप कीटोन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो कीटोन्स के प्रिपरेशन के लिए हमने दो मेजर ऑलरेडी देख ली है। पहली कौन सी थी, खोलो बुक, खोलो जिसमें लिखना है वो खोलो, दिखेगा। पहली कौन सी थी, एसाइल क्लोराइड से, राइट, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, जिसमें हमने क्या किया था, डाई अल्काइल कैडमियम R2CD, अपने क्या लिया था, रिएजेंट लिया था, और उसी के साथ अपने पूरी रिएक्शन की जो आपको लास्ट मिला था कीटोन। दूसरी जो हमने दूसरा तरीका देखा था वो क्या था, नाइट्राइल, नाइट्राइल में से कीटोन की प्रिपरेशन यानी कि हम रेटना अभी भी तीसरी और एक मेथड हमारे पास है कीटोन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, तो कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए थर्ड मेथड जो हमारे बाकी थी उसका नाम है, आप कह सकते हो फ्रॉम बेंजीन और डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव तो नहीं लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर आपकी क्या होगा, क्या होगा आपकी बेंजीन रिंग होगी ये। ठीक है, हर एक जगह पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे छह हाइड्रोजन होते हैं सिक्स कार्बन के साथ, तो उस कोई हाइड्रोजन को किसी से आपने रिप्लेस कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। तो ये जो कीटोन बनते हैं वो कौन से बनते हैं, एरोमेटिक कीटोन, जिसमें ऑलवेज बनेंगे क्योंकि बेंजीन या तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम यूज करते हैं एज अ रिएजेंट। इसका एक फेमस नाम है इस रिएक्शन का, फ्रीडल एसाइलेशन। पढ़ा है ये हमने 110% पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन जरा इस नाम से फेमस है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है वो पूरी रिएक्शन दिखाओगे कैसे उसमें से कीटोन बनता है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वो वाला जो मेथड है वो कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें होगा क्या, इसमें आप अपना बेंजीन लोगे या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लोगे। ठीक है, आपने अपना बेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन आप या तो अल्काइल एसाइल से करोगे, अल्काइल एसाइल क्लोराइड से करोगे, या एराइल एसाइल क्लोराइड से करोगे। अल्काइल या एराइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि बिना पानी का, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का, तो एनहाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड की हाजिरी में इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये कार्बोक्लोरेट। और यहां से कोई एक यहां हाइड्रोजन को निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के, और ये पूरा ये जुड़ जाएगा जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पर यानी कि यहां, समझ में आया। तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन बना, एरोमेटिक कीटोन। क्या है एरोमेटिक कीटोन, तो आपको कोई ये भी पूछ सकता है कि नीचे में से कौन से रिएक्शन एरोमेटिक कीटोन की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। तो चार नाम दिए होंगे आपके, उसमें से एक नाम आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, सपोज बेंजीन के साथ हम चलो एरोमेटिक ही करवाते हैं, दूसरा भी एरोमेटिक लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड लिया, किसकी प्रेजेंट
में क्लोराइड के प्रेजेंट में माइनस निकल गया HCl, यहाँ पे ये क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा वो निकल जाएगा और यहाँ आपके पास बन जाएगा बीच में सी डबल बॉन्ड को और दोनों रिंग जुड़ जाएंगे। इसका मैंने आपको आगे के इसी नाम बताया था जब सीखा था मैंने, क्या है इसका नाम? यस, बेंजो फिनोल। क्या नाम है इसका? बेंजो फिनोल। वैसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछ सकते थे, ये दिया यहाँ पे रेफरेंस या फिर यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन नंबर, तो प्रोडक्ट क्या होगी, तो प्रोडक्ट ये होगी, या तो यहाँ पे ब्लैंक दे दिया इसमें क्या यूज होगा, या यहाँ पे दे दिया आपको ब्लैंक इसमें से ये प्रोडक्ट बनी है तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया होगा। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि बेंजीन तो हमारे पास पहले से इधर है, एक्स्ट्रा क्या आया एक बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, तो उसके साथ क्या लगा होगा, ये देखिए आपको पता चलेगा कि क्लोरीन लगा होगा। तो इस तरह से दो तीन तरह से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कीटोन की थर्ड प्रिपरेशन। तो हमने सारे प्रिपरेशन देखे, लिख लो पहले, ये पहले लिखो इसको, and
साइन तो है नहीं, डेट से कितना दे रहा होगा, कैसे देगा? कि सबसे पहले ये इसके साथ पानी रिएक्ट करेगा ना, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे पानी का, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे OH जाएगा, H प्लस यहाँ जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा। ये मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी करवाई थी, ठीक है। ये बनाता इनोल फॉर्म। मुझे कितनो फॉर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, हाइड्रोजन इधर कार्बन पे शिफ्ट, तो आपको मिल जाएगा कितनो फॉर्म कैसे, आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म किया यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन यहाँ पे OH CH3, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, कितनो फॉर्म। नाम मुझे लिखना आया PACs का। तो ये भी किसकी प्रिपरेशन हुई हमारी, कीटोन की प्रिपरेशन, ठीक है। अभी फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या पूछा है आपको। फोर्थ आपको दिया हुआ है पेरा नाइट्रोटोल्यूम। पेरा नाइट्रोटोल्यूम दिया है जिसकी पहली रिएक्शन आपको Cr2CA2 से करनी है और दूसरी रिएक्शन जो है वो H3O प्लस से हाइड्रोलाइसिस करता है। तो जब पहले हम पहली रिएक्शन करेंगे यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे NO2, यहाँ पे CH3। पहली रिएक्शन करो क्रोमियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे, याद करो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। ये किसकी मेथड है, सबसे पहले ये हमारी बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन की मेथड है, जो सारे एरोमेटिक हाइड्रेट बनाने की प्रिपरेशन थी उनमें से ये एक मेथड है, ठीक है। जिसमें क्या यूज कर रहे, क्या कर रहे, टोलमिन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एजेंट क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा OCrOHCa2, ये क्या बना आपका कॉम्प्लेक्स बना, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर इसका जैसे ही आपने H3O प्लस किया, यानी कि आपने इसका क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, नीचे NO2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम आपको भूल देना है। तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या मिली, ये वाली। समझ में आया, चार रिएक्शन देखिए हमने। हम रिएक्शन का आंसर कब दे पाए, जब हमने ये जाना कि वो आल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, फिर ये जाना कि रिएक्शन का नाम कौन सा है, तब जाके हमको पता चला कि सूटेबल प्रोडक्ट ये होगी, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अभी ये तो सिर्फ आल्डिहाइड और कीटोन है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, अमाइड आएगा, सब कुछ आएगा, थोड़ा मिक्स होगा। इसीलिए मैंने आपको वो जो बॉक्स प्रिपेयर करने को बोला है ना, वो कंपलसरी करना है, जिसमें आप क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे आल्डिहाइड की रिएक्शंस और रिएजेंट की, कीटोन के रिएक्शंस और रिएजेंट की प्रिपरेशन की, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं। होमवर्क में क्या करोगे, जो दोनों चीजें मैंने करवाई वो एक एक बार हमने देख के लिखिए, एक बार बिना देखे फिर से घर पे लिखोगे, ठीक है। कीटोन की थर्ड प्रिपरेशन और एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल्स खुद से करने हैं और इन चारों के जो प्रोडक्ट है इसके IUPAC नोमेनक्लेचर्स देने हैं, ठीक है। बाकी बच्चों हम